हेलो एवरीवन। तो गाइस, एक और ब्रेकफास्ट रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि है पोहा। तो उसके लिए मैंने गाइस क्या लिए हैं, मटर लिए हैं, टमाटर लिया है एक छोटा मीडियम साइज़ का, अनियन उसे चॉप कर दिए, टमाटो को भी, और दो चिलीज़। चिलीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बड़ा घटा सकते हैं। तो मैंने पोहा को धो के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके रख दी। यहाँ पर आप पीनट्स भी डाल सकते हो, बट मुझे पीनट्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने मटर यूज़ किया। और यहाँ पर देखिए, राई है, जीरा है और मेथी दाना है, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून जो ऑयल था वो गरम कर दिया। उसमें मैंने ये जो मसाला है, खड़ा गरम मसाला, वो डाल दिया। गरम मसाला नहीं कह सकते इसको, तो ये डाल दिया। इसको डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई करना है ऑयल में। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आएगी ना, बहुत प्यारी प्यारी सी, और बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी ना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये जो मसाला है बिल्कुल भुन गया है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपके पास तो करी पत्ता है तो यहाँ पे ज़रूर गाइस करी पत्ता ऐड कीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने यूज़ नहीं कर पाई मैं, बट इसमें कीजिएगा ज़रूर। तो अब मैंने क्या किया, जिसमें मटर ऐड कर दिए, क्योंकि मटर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, तो इसलिए मैंने मटर डाले। उसके बाद प्याज और ये जो ग्रीन चिली है वो ऐड कर दी। और अब मैं इसे क्या करूँगी, फ्राई करूँगी। यहीं पे मैंने फ्राई करने के बाद इस पर हल्दी डाल दी, और इसमें कुछ और मसाला ऐड नहीं करना है, हल्दी डाल दी है इसमें। यहाँ पर गाइस आप कुछ और मसाला वेरिएशन कर सकते हैं, और मैंने अब यहाँ पे, बट मैंने नहीं किया, यहाँ पे टमाटो 1 चॉप वो डाल दिया। और अब मैंने क्या किया, इस यहाँ पे गाइस मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दिया, और जो सारा मिक्सचर था पोहा जो मैंने हल्दी के साथ ऐड किया था वो भी ऐड कर दिया। और ये फाइनल लुक है गाइस, और इन्जॉय कीजिए।